सूर्योपासना के महापर्व छठ के अवसर पर जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूजा सामग्रियों का वितरण किया। इस वितरण का आयोजन नगर निगम वार्ड संख्या 8 अंतर्गत राजापुर गांव में की गई। सैकड़ों ग्रामीणों के बीच गेहूं, कद्दू, नारियल एवं नींबू का वितरण महावीर यादव के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता महावीर ने बताया कि बीते 5 वर्षों से लोगों के सुख दुख में अपनी सहभागिता प्रस्तुत कर अपने जीवन को धन्य समझता हूं और ऐसा करने से दिल को सुकून मिलता है। उन्होंने बताया कि इस पर्व को उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास करते हैं कि जो भी है उसी में किसी न किसी रूप में लोगों के बीच वितरण करते आए हैं। सबसे पर वर्तियों में सैकड़ों महिला एवं पुरुष मौजूद थे और सभी के चेहरे पर खुशी झलक रहा था। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। पूजा कुमारी, आप सबको सूर्य उपासना की महापर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर बेगूसराय जिला वासियों सहित नगर निगम वार्ड नंबर 21 के गरीब गुरबों को एवं समस्त नागरिकों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। कोई ये विचार आया मन में आपको वितरण कर रहे हैं फल और अनाज का? ये हम 5 साल से ये वितरण कर रहे हैं। ये बिहार यूपी का मैंने जितने भी श्रद्धालु हैं बहुत श्रद्धा पूर्वक ये मनाते हैं और हम मैंने भरसक प्रयास रहता है कि हमसे जो जुड़े बने हम अपना समाज के लमसम 5 साल से दे रहे हैं। क्या मान्यता है छठ पर्व की? मान्यता इनका बहुत मान्यता है, लोग बहुत श्रद्धा से आज से ही कद्दू भात मैंने शुरू हो गया है, नहाय खाय बोला जाता है, कल खरना होगा, उसके बाद पहला संध्या रहेगा और उसके बाद फिर सुबह का रहेगा। यहाँ इस पर्व का बहुत बहुत मैंने श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है, बिहार में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। कितने लोगों के बीच वितरण किया? लगभग 350-400 आदमी के बीच वितरण किया है। जी जी। कितने वार्ड की है बात? ये वार्ड नंबर 8 है। क्या नाम है आपका? महावीर यादव। क्या है आप? समाज सेवी, इससे पहले वार्ड नंबर 8 से रनर अप रहे हैं।